आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को। हेलो, इलेवेंथ वाले लीव कर दे, 12th का क्लास। चलो देखो, वेव ऑप्टिक्स लाइट डुअल नेचर का होता है। पढ़ लो। हाँ तो डाउट पूछ लेना बाहर ही। अब उसमें क्या ही पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वही सेम चीज पढ़ाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हो क्या केमिस्ट्री में? हाँ तो चिल मारो, तो क्या ही जरूरत है केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री सर बढ़िया पढ़ाएंगे मेरे से, तो मेरे कंपेरिजन में केमिस्ट्री सर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है बढ़िया पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको डिटेल में बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है, सेल उल के बारे में या बहुत सारी चीजें, वही चीज मैं दोबारा पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो क्या है एकदम मुश्किल, जो डाउट होगा ना वो पूछ सकते हो। मॉड्यूल में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है नहीं, तो सवाल कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे? तो डाउट कहाँ से आया तुम्हारे, पहले ये बताओ। मैंने पढ़ाया है नहीं, मॉड्यूल में है नहीं, तो फिर तुम डाउट कहाँ से ला लिए, कहाँ से पढ़े हो ये तो बताओ। एनसीईआरटी से पढ़े यार, एनसीईआरटी से मत पढ़े। चलो कोई नहीं, देखो डाउट होगा पूछ लेना। तो हार यार, जब भी तुमको फ्री। डुअल नेचर है लाइट का, मतलब लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, उसके पास दोनों नेचर है। पार्टिकल वाला जो भी नेचर है हमने मॉडर्न फिजिक्स में देख लिया, पार्टिकल नेचर के चलते क्या क्या हो रहा था वो हमने कहा देख लिया, मॉडर्न फिजिक्स में देख लिया, जिसके चलते हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों दिख रहा था तुम्हें? पार्टिकल नेचर के चलते दिख रहा था। सिमिलरली वेव नेचर के चलते भी कुछ फेनोमेना हो रहे होंगे। वेव नेचर के चलते जो फेनोमेना तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है, दैट इज इंटरफेरेंस, ठीक है, और डिफ्रैक्शन। ये जो दोनों फेनोमेना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये किसके चलते होते हैं? ये होते हैं वेव नेचर के चलते, ठीक है। एक और भी, मतलब इसमें दो चीज और भी ऐड कर सकते हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ये भी किसके चलते होता वेव नेचर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी किसके चलते होगा? वेव नेचर, क्योंकि साउंड तो पढ़े हो ना, साउंड में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड पढ़ाया था, एंड ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो हो रहा होगा वो भी किसके प्रॉपर्टी के चलते हो रहा होगा। तो कुछ कुछ ऐसे फेनोमेना थे जिसमें हमने लाइट का अगर वेव नेचर लिया तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, जैसे इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही थी। कुछ कुछ ऐसे फेनोमेना आ गए जिसके जो इफेक्ट, जो मतलब लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने वही प्रपोज किया कि जो लाइट है उसके पास कितना नेचर होगा, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अब वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ते होंगे यहाँ पे, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अब वेव नेचर ऑफ लाइट जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? हाइजेंस ने बताया। हाइजेंस ने बताया कि जो भी तुम्हारा लाइट है उसका नेचर क्या है? वेव है। लेकिन उसने पूरा करेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिया। जैसे उसने बोला था कि ये मैकेनिकल वेव है, ये कैसा वेव है तुम्हारा? मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव के मोशन के लिए कैसा चाहिए तुमको? मीडियम की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल वेव के मोशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मीडियम की जरूरत पड़ेगी, जबकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो उसने अपने हाइपोथेसिस को करेक्ट दिखाने के लिए एक हाइपोथेटिकल मीडियम भी बना दिया कि हमारा जो खाली स्पेस है उसमें एक मीडियम भरा है, जिसको क्या नाम दिया था उसने? ईथर नाम दिया था, कि ईथर नाम का एक मीडियम है जो कहाँ पे है, जो भी स्पेस है तुम्हारा वो खाली नहीं है, वो किससे भरा हुआ है? ईथर से भरा हुआ है। और ईथर एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो उसने लाइट को, जो हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस का जो भी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लाइट वेव था, लेकिन लाइट उसने लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव बताया था, सॉरी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव बताया था। लाइट का क्या है तुम्हारा?
ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है। ट्रांसवर्स मतलब पार्टिकल जिधर डायरेक्शन होगा मोशन का, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि बाद में गलत हो गया। मैक्सवेल ने बहुत सारी चीजें बताई कि जो लाइट है उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, और उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खुद का मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके हेल्प से जो लाइट है वो क्या करता है, स्पेस में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो लिखेंगे कुछ थ्योरी, लिख लो इसमें क्या क्या है। अगेन थ्योरी से यार सवाल बहुत कम आते हैं, जो भी तुम्हारा पूछेगा इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन से सवाल पूछेगा, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो लिखना इसमें, लिखना लाइट एग्जिबिट डुअल नेचर। पॉइंट वाइज करके लिखना, लाइट एग्जिबिट डुअल नेचर दैट इज वेव एंड पार्टिकल फुल स्टॉप। ड्यू टू वेव नेचर फेनोमेना लाइट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व ठीक है। अब इसी नेचर का अगर तुमको याद होगा तो हमने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को हम वेव नेचर भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का हाइपोथेटिकली किसने बोला था, डिब्रोगली ने बोला था कि जो पार्टिकल्स है वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, बस उसने प्रूव नहीं दिया था, बस उसने बोल दिया था कि क्या होगा कि इसके पास वेव नेचर है, जिसको प्रूव किसने करा था, डैमिसन और जर्मन, तुमको बोला था पढ़ने के लिए, थोड़ा सा मॉड्यूल में एक पोर्शन है उसको पढ़ लेना। तो डिफ्रैक्शन जो फेनोमेना वो किसके चलते होता, डिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है वेव नेचर के चलते। वेव अगर होगा तो वहां पे क्या हो रहा होगा, डिफ्रैक्शन। और जब हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या शो करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है। इलेक्ट्रॉन बीम तुम्हारा क्या शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम के पास कैसा नेचर है, वेव नेचर भी है। पार्टिकल तो है ही, साथ ही साथ क्या है, वेव नेचर भी है। वही डैमिसन और जर्मन ने प्रूव करा था, और उस प्रूफ के बाद जो कि तुम्हारा हाइपोथेसिस था डिब्रोगली का वो क्या हो गया था, सही हुआ था। इसी के चलते बाद में तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम सुने हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जो नॉर्मल हाँ सर, माइक्रोस्कोप है उसमें क्या यूज होता है, विजिबल रेंज का लाइट यूज होता है। क्या यूज करेंगे, विजिबल रेंज का लाइट यूज करेंगे किसमें, जो तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, जिसमें समझते हैं, इसमें यूज होता है इलेक्ट्रॉन बीम। में क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे जिसका जो वेवलेंथ का ये है ना, रेंज है ना, वो इंक्रीज हो जाता है वेवलेंथ का। जैसे इसमें किसी चीज को देखना है तो दैट मस्ट बी इन व्हाट रेंज, विजिबल रेंज। अब इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा, वेवलेंथ है इसके पास, क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस वेवलेंथ के चलते वो बाकी जगह, बाकी जो बॉडीज है जिनके जिनका जो कैप है या बहुत ही स्मॉलेस्ट बॉडी है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। और अगर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, और आफ्टर दैट चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें जो विजिबल है वही हम देख सकते हैं, हम जो चीजें विजिबल नहीं है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, डिटेक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेक्ट करने ये वेवलेंथ डिटेक्ट करना है जो तुम नॉर्मल आई से यूज नहीं कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, क्योंकि प्रूव कर दिया डैमिसन जर्मन ने कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा प्रॉपर्टी है, वेव प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने डिफ्रैक्शन प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। तो ये सारे जो फेनोमेना है, इंटरफेरेंस हो गया या फिर डिफ्रैक्शन हो गया, ये किसके चलते आता है, वेव नेचर के चलते आता है। फुल स्टॉप हो गया, नेक्स्ट क्लिक हो गया। इन अ गिवन मीडियम लाइट प्रोपागेट
लाइट प्रोपागेट इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। किसी मीडियम में लाइट कैसे प्रोपागेट करेगा? वेव फ्रंट के फॉर्म में, ठीक है? कि मतलब ये जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है ना, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। अब वेव फ्रंट है क्या? वेव फ्रंट ऐसे पोजीशंस है या ऐसे लोकेशंस है जिसका डिस्प्लेसमेंट या जिसका फेज क्या होता है, सेम होता है। फेज तो पढ़ चुके हो ना, फेज जो भी तुम्हारा फेज कहाँ कहाँ पढ़े, सचिन में पढ़ लिए हो, साउंड में पढ़ लिए हो, तो फेज क्लियर हो गया होगा। ऐसे लोकेशन जिनका क्या हो, फेज सेम है, मतलब ऐसे पॉइंट मीडियम में जहां पे हर पॉइंट पे क्या हो, फेज सेम हो, मतलब अगर ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे होंगे और सबका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ओरिजिन से क्या होगा, सेम होगा, उसको सेम फेज बोलते हैं। उसने बोला कि लाइट जो है ना वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है, मतलब ये जो लोकस जनरेट हुआ है, यही लोकस कुछ देर बाद कहाँ दिखेगा तुमको, यहाँ दिखेगा। ये लोकस पहले यहाँ था, अभी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो ये तुम्हारा वेव फ्रंट है और यही वेव फ्रंट क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। वेव फ्रंट वन पहले को लोकेशन वन पे था, अभी कहाँ चला गया, लोकेशन टू पे चला गया। तो अगर ये इधर से इधर मूव कर रहा है, यानी वेव का डायरेक्शन क्या होगा, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा होगा। अब एक चीज देखोगे कि जो वेव है, दिस वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, क्योंकि अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे ये वाला लाइन दिखेगा, अगेन एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो वेव फ्रंट के भी टाइप्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है सोर्स कैसा है, क्योंकि लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट सोर्स के चलते हो सकता है, ठीक है, या फिर सिलेंडर के चलते हो सकता है, या फिर एक ऐसा सोर्स जो इनफिनिटली लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अगर इनफिनिटली लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो लाइट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर लाइट पैरेलल हो गए तो इस केस में वेव फ्रंट, इस केस में वेव फ्रंट और इस केस में वेव फ्रंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो इसके चलते जो वेव फ्रंट बनता होगा कैसा बनता है, सिलेंडर स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के लिए ये कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बने, सॉरी स्फेरिकल बनेगा। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल बनेगा, लाइन सोर्स अगर तुम्हारे पास है, लाइन सोर्स के लिए क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल। और अगर इनफिनिटली लार्ज डिस्टेंस पे सोर्स है, मतलब वो पॉइंट सोर्स हो लाइन सोर्स हो, अगर तुमसे बहुत ज्यादा दूरी पे है तो पैरेलल हो जाएगा, बीम होती है, बीम क्या हो जाती है, पैरेलल। और अगर बीम पैरेलल हो गए तो इस केस में जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, इट विल बी अ प्लेन, ठीक है ना, कैसा, एक प्लेन सरफेस बनेगा। तो वेव फ्रंट लिख लो, उसका डेफिनेशन लिखा दे रहा है, उसका एक प्रॉपर्टी लिखा दे रहा है, तो इसके नीचे लिखना वेव फ्रंट, वेव फ्रंट में लिखना लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल इधर है, कोई पार्टिकल इधर है। अगर ये सेम फेज में है तो हमें क्या करना है, इन सारे लोकेशन को ज्वाइन कर देना है, और इन लोकेशन को ज्वाइन करोगे दे विल फॉर्म व्हाट, लोकस। तो लोकस से कंफ्यूज मत होना, लोकस क्या है, लोकस क्या है, लोकस जस्ट एक पाथ है जिसको हमने अलग अलग पोजीशन से अलग अलग लोकेशन से ज्वाइन करके बनाया। नेक्स्ट देखेंगे सिंगल पॉइंट नंबर टू, लाइट रेज, लाइट रेज पॉइंट नंबर टू वेव फ्रंट, लाइट रेज परपेंडिकुलर टू, लाइट रेज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ठीक है, जो भी लाइट रे होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, अच्छा सर ये वेव फ्रंट और वेवलेट क्या सेम चीज होता है, वेवलेट वो समझाएंगे अभी, वेवलेट का क्या मतलब है वो समझाएंगे। टाइप्स में लिखना, पहले इसके नीचे लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स। टाइप किस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ सोर्स पे, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सोर्स। तो इसके नीचे लिखना इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ
सोर्स, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स. पहला लिखेंगे स्फेरिकल वेवफ्रंट. स्फेरिकल वेवफ्रंट किसके चलते बनेगा? ड्यू टू पॉइंट सोर्स. ड्यू टू पॉइंट सोर्स, अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट सोर्स है, यहां से जो भी रेज निकलेंगे इट विल बी रेडियली आउटवर्ड. रेज के बारे में बात करोगे, प्लेन फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन प्लेन नहीं है, ये क्या है, 3D में जो भी रेज निकलेगा कैसा निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड होगा. अब इसके लिए अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे तो वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल. कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा. कहीं भी जाकर के देखोगे तो लाइट एंगल बना रहा होगा वेव फ्रंट के साथ. लाइट रे जो एंगल बनाएगा वेव फ्रंट के साथ वो कैसा बनाएगा? इसमें इंटेंसिटी जो होता है लाइट का, तो कर लिया इन दिस केस, ये तो बहुत बार बता चुके हैं, इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट का इंटेंसिटी. अगर डिस्टेंस बढ़ेगा सोर्स से तो इंटेंसिटी क्या होगा? कमेगा. तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है इंटेंसिटी कम हो रहा है, रिलेशन कैसे मिलेगा? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. या आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सिलिंड्रिकल. यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल. डायग्राम ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करो. अच्छा सर, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे आप बताए थे, वो एक लाइन जैसा सरफेस तो गॉसियन सरफेस पड़े हो ना, गॉस वाला. हाँ सर, वही सेम चीज है. गॉसियन सरफेस जस्ट, अगर उधर कांसेप्ट ठीक है तो पॉइंट अगर चार्ज होता था उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता था? स्फेरिकल. लाइन चार्ज होता, स्फेरिकल होता था, सिलेंडर हो जाता था. सिलेंडर वैसा ही चीज है कि अगर लाइन सोर्स होगा इससे ट्यूबलाइट हो गया. ट्यूबलाइट अगर लोगे तो उसके लिए जो वेव फ्रंट बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा? ये तुम्हारा वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है. ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बन सकते हैं, जैसे ये जो है ना, ये एक वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट, ये मे बी ये ट्रेवल करके आगे चला गया. जो यहाँ कुछ देर पहले था वो कुछ देर बाद कहाँ दिखेगा? बाहर की तरफ दिखेगा. ठीक है, सो ये एक वेव फ्रंट है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा. इस केस में जो इंटेंसिटी होता है, अगर इंटेंसिटी देखोगे तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. आर अगेन क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन सोर्स. लाइन सोर्स से डेंसिटी कितना है उसको? प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट plane wave front के नीचे due to source at infinitely large distance. due to source at infinitely large distance. जो source होगा वो क्या होगा? बहुत दूर होगा. ठीक है ना, जैसे sun हो गया, sun से जो rays तुम्हारे पास पहुंचती हैं वो कैसे हो जाती हैं? parallel. sun से जो भी rays तुम्हारे पास पहुंच रही हैं वो कैसा हो जा रहा है? parallel. मतलब अगर sun के लिए wave front draw करना है वो कैसा होगा? it will be plane. ठीक है ना, कैसा होगा?
प्लेन होगा, तो ऐसा सोर्स जो बहुत दूरी पे रखा हुआ है, उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, लाइन सोर्स भी हो सकता है और पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा दूर है कि तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते सारी रेज क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो उसके चलते जो वेव फ्रंट बनेगा इट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, इंटेंसिटी जो भी इंटेंसिटी होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तुम कितना दूर आ गया हो ना सोर्स से, क्योंकि अब इंटेंसिटी जो हो गया वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया। ये तुम्हारा लाइट रे है, लाइट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, सो इन केस में वेवफ्रंट जो होगा ऐसा होगा प्लेन। इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये किसके आइडेंटिटी कलर, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस होता था वो कैसा होता था, जो गॉसियन सरफेस होता था वो प्लेन के फॉर्म में बना सकते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या होता था, सेम होता था। वैसे ही लाइट का इंटेंसिटी हर जगह क्या होगा, सेम, कब, जब लाइट एक दूसरे, लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखना। ईच पार्टिकल ऑफ वेव फ्रंट, ईच पार्टिकल ऑफ वेव फ्रंट is considered as a source, is considered as a source, which is known as secondary wavelet, which is known as secondary wavelet. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जो भी वेव फ्रंट ड्रॉ करें उस वेवफ्रंट पे हर एक पार्टिकल, जो मान लो मैंने एक ऐसा वेवफ्रंट ड्रॉ करा, इसपे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, इन सारे पार्टिकल का क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये जो सारे पार्टिकल है ना ये खुद का भी वेव जनरेट कर रहे हैं, जो कि क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोपागेट हो सकता है। अगेन अगर इस पार्टिकल की बात करोगे तो ये खुद से एक ऐसा बिहेव कर रहा है, एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह, इसमें खुद से इसका भी वेव फ्रंट तुम बना सकते हो, इसका भी वेव फ्रंट बना सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्रोपगेशन होगा वो क्या होगा, जो भी लाइट होगी वो ओरिजिनेट, ऐसा फील हो रहा है कि लाइट यहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली में लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, एक्चुअल पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके चलते कि वेव फ्रंट बना था, इसलिए इसका जो नाम है ना ये सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन इसको अब सोर्स बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। वेवलेट मतलब यहाँ से भी जो लाइट है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। हरी बात समझ में, ये सोर्स है और ये सारे जो पॉइंट्स है ये सेकेंडरी सोर्सेस है, और दो जो सेकेंडरी सोर्सेस आर नोन एज व्हाट, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है, और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इंटरफेरेंस करवाते हैं, और इंटरफेरेंस में जब हमें कोहेरेंट सोर्स बनाना होता है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, वो समझेंगे आगे कैसे। हाइजीन्स का थ्योरी है, होमवर्क है, रीड कर लेना, 10 पॉइंट्स है। जितने भी पॉइंट होंगे 10 पॉइंट्स पढ़ लेना, रखने का ऐसा जरूरत है नहीं, होमवर्क है। सर इससे तो एग्जाम में नहीं आएगा ना, मतलब हाइजीन से तुमसे थोड़े पूछेगा कि बताओ, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह तो कुछ से? न्यूमेरिकल हाइजीन थ्योरी से नहीं आएगा, न्यूमेरिकल इंटरफेरेंस से आएगा या फिर डिफ्रैक्शन से आएगा। मैं अभी बोल दे रहा हूँ क्या क्या है हाइजीन वेव थ्योरी। पहली बात की हाइजीन ने पहली बार बताया क्या, कि जो लाइट है उसके पास क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, उसके बाद
जो भी एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ उसने ये भी बोला था कि लाइट क्या है, लाइट नीड मीडियम, प्रोपागेशन के लिए उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए था, जिसके लिए उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम बताया जिसका नाम क्या था, ईथर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच पॉइंट जो होता है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, जो भी वेव फ्रंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है। अभी जस्ट ये जो बताया उसी ने बोला था कि ये जो वेव फ्रंट है ना, इससे सारे पॉइंट का वाइब्रेशन क्या हो रहा है, आइडेंटिकल है, सेम फेज में है, तो ये सारे खुद भी कैसे बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरफ बिहेव करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या था कि द इनवेलप और द लोकस, उसको इनवेलप भी बोल सकते हो और लोकस भी बोल सकते हो, ये जो होता है ये किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जो भी वेव फ्रंट बन रहा है ये किधर मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ रे मूव करेगा। मतलब अभी ये वेव फ्रंट यहाँ था, डायरेक्शन ऑफ रे ये है, तो कुछ देर बाद कहाँ दिखेगा तुमको, यहाँ दिखेगा। इसलिए बोला गया था कि लाइट जो ट्रेवल करता है मीडियम में वो ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट पहले यहाँ था, यही वेव फ्रंट कुछ देर बाद तुमको कहाँ दिखेगा। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, डायरेक्शन ऑफ रे जो है इस डायरेक्शन में है, वेव फ्रंट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्या बताया था कि वेव फ्रंट जो होगा और वेव, वेव फ्रंट और वेव एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि वेव फ्रंट और वेव क्या होगा, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, एट लार्ज डिस्टेंसेस ऑल सोर्सेस क्या हो जाएगा, अपीयर टू बी प्लेन। लार्ज डिस्टेंस पे सारे जो वेवलेट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सॉरी वेव फ्रंट जो होंगे वो प्लेन हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट उसने बताया। फिर उसके बाद बोला कि द थ्योरी विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। मतलब वेव थ्योरी यूज करके क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया गया, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया गया, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया। और साथ ही साथ उसने वो ये जो हाइजीन्स थ्योरी थी वो लाइट का नेचर कैसा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल नेचर या फिर ट्रांसवर्स नेचर, उसमें कंफ्यूजन था, वो चीजें वो अच्छे से बता नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने एक्सप्लेन कर दिया था कि ईथर है लेकिन ईथर प्रेजेंट था नहीं, तो फिर इसका जो भी थ्योरी इसने दिया था वो क्या हो गया, बाद में गलत हो गया, वेव नेचर है लेकिन इसका उसको जो कंसेप्ट इसने बताया वो सारी चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि अगर सारे पार्टिकल का फेज देखोगे तो ये सारी चीजें जो वेव फ्रंट का कंसेप्ट है वो किसी अगर वैक्यूम में चेक करोगे तो गायब हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स होते नहीं है, तो मीडियम वाइब्रेट जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, वहां पे एक्चुअल वेरिएशन किसका हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, जिसके चलते लाइट प्रोपागेट करता है। तो ये सारी जो थ्योरीज थी वेव फ्रंट की चीजें ये क्या हो गई, एक तरीके से बाद में लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। बाद में फिर आया मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन करा कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, जिसका इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ईथर वाला काम तो ऐसे ही तमाम हो गया। फिर उसने ये भी बता दिया कि लाइट जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम ही उसने क्यों दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उनके कॉम्बिनेशन से, अगेन ईएमडब्ल्यू जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि ईएमडब्ल्यू में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बताते हैं, वो हाउ डैट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, वो सारी चीजें पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे इसके चलते जो फेनोमेना होता है ये रीड कर लेना, बता भी दिया मैंने, एक बार रीड कर लेना, वही सेम टू सेम पॉइंट, इसमें कुछ नया ऐसे तुमको नहीं दिख जाएगा जो अलग है। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस किसी भी वेव का कराओ, लाइट वेव का कराओ या फिर साउंड वेव का कराओ, जो थ्योरी है वो सेम ही रहेगा, जो थ्योरी है वो क्या रहेगा तुम्हारा, सेम ही रहेगा, और जो कंसेप्ट है इंटरफेरेंस कराने के लिए कम से कम कितने वेव चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए दो या दो से ज्यादा किसी एक रीजन में जाकर के क्या कर रहे होंगे, सुपर इम्पोज कर रहे होंगे, और उस सुपर इम्पोजिशन के चलते जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें बताए थे, फिर से रिकॉल कर देना कि एक वेव है वाइट वन, दूसरा वेव है वाइट। अब इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, इनमें अगर इसका एम्पलीट्यूड ए वन है, इसका एम्पलीट्यूड ए टू है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, कम। साउंड में ये सारी चीजें बताए, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी इसका, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसका भी कितना होगा, ओमेगा ही होगा, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम। और क्या सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस सेम हो जाएगा तो फिर यार इंटरफेरेंस कैसे होगा।
अब देखो उसके चलते क्या होता है, जब ये पार्टिकल मूव करती है ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, ये दोनों जो वेव है इनका डायरेक्शन क्या क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ओमेगा सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन लार्ज डिफरेंस नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, हाँ स्मॉल डिफरेंस। अब मान लो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यहाँ से कुछ लाइट इमिट हुआ, यहाँ से भी कुछ लाइट इमिट हुआ, क्या करके ये इस रीजन में इंटरफेयर करते हैं। देखो हमने क्या जनरेट कर दिया, पाथ डिफरेंस जनरेट कर दिया। तो जब पाथ डिफरेंस जनरेट करोगे तो यहाँ पे जो भी लाइट पहुंच रहा होगा यहाँ से और यहाँ से सुपर इम्पोज करेगा, तो इस पॉइंट पे तुम्हें मैक्सिमम मिल सकता है, मिनिमम मिल सकता है और उसके बीच का भी कोई कंडीशन मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रहा था उसमें दो तरीके का इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, दो तरीके का इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब एट दैट लोकेशन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव कहने का एट दैट लोकेशन इंटेंसिटी इज मिनिमम। और उन सारे चीजों के लिए क्या क्या कंडीशन होगा वो सब डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा कंडीशन होगा, कॉस फाई क्या होगा, मैक्सिमम के लिए कॉस फाई क्या होगा, मिनिमम के लिए। तो इस लोकेशन पे अगर कॉस फाई का वो सर्टेन रिजल्ट आ रहा है, अगर कॉस फाई मैक्सिमम है तो इस केस में इंटेंसिटी क्या होगा इस लोकेशन पे, और कॉस फाई मैक्सिमम कब होगा, जब फाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो डिग्री नहीं, एन फाई के टर्म में, एन फाई के टर्म में पढ़ाए थे क्योंकि जीरो भी हो सकता है फाई भी हो सकता है, क्योंकि ग्राफ अगर फॉर्म करोगे तो क्या दिखेगा, इस तरीके का ऐसा ग्राफ दिखता है। तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू और ये भी मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों केस में ये भी मैक्सिमम है ये भी मैक्सिमम है, तो जीरो पे या फिर पाई पे और ये टर्म टू पाई पे या थ्री पाई पे, यानी एन पाई पे, पाई के एन पाई के लिए हमेशा तुमको क्या मिलता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था, और ये तुम्हारा फेज डिफरेंस है, दिस इज योर व्हाट फेज डिफरेंस, एंड वी कैन कन्वर्ट दिस फेज डिफरेंस इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को क्या कर सकते थे, पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेरेंस का जो हल्का फुल्का कंसेप्ट था, मतलब हल्का फुल्का थ्योरी था, वो हमने कहाँ पढ़ लिया, साउंड में पढ़ लिया। अब उसके लिए क्या है कि अगर तुम्हारे पास दो वेव है, दो वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, जहां phi क्या है, phi है फेज डिफरेंस, phi तुम्हारा क्या है, फेज डिफरेंस किसके किसके बीच का, दो वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते उनके फेज में कितने का डिफरेंस आया वो है। ठीक है, यहां से और भी चीजें कैलकुलेट करा था हमने, अगर एम्पलीट्यूड अगर तुमने कैलकुलेट किया तो इंटेंसिटी आई कितना होगा बताओ, आई आई बताना, आई वन प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ये जो ट्वेल्थ वाले बच्चे उनको ये सब याद है कि नहीं है, सर याद तो है सर, हाँ सर याद है सर, कोई नहीं रेवंत एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, हाँ सर मतलब कल रिवाइज करके आऊंगा, ओके क्या आज ही खत्म हो जाएगा इंटरफेरेंस, तो कल क्या होगा, अच्छा पढ़ लेना, डाउट होगा तो पूछ, हाँ सर याद है सर, मतलब ऐसे पूरा नहीं भूल गया, मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, हाँ समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें ये सारी जो चीजें है ये कॉस पर ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये जो टर्म है यही डिसाइड करता है कि क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के केस में cos phi का वैल्यू होगा इट विल बी प्लस माइनस, cos phi क्या हो सकता है प्लस वन भी और प्लस माइनस वन होगा या बस प्लस वन, ये क्या होगा हमेशा cos phi जो होगा ये हमेशा कितना होगा, क्योंकि माइनस वन रखोगे तो वो फिर क्या देगा, डिस्ट्रक्टिव देगा, यानी cos phi हमेशा क्या होनी चाहिए प्लस वन, और इसके रेस्पेक्ट में तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड छोड़ दो, cos phi में phi जो होना चाहिए वो क्या होगा, phi जीरो हो सकता है और phi जीरो और सर टू पाई, टू पाई और फोर पाई, मतलब हाँ मतलब वो जो भी even, होगा उस तरीके का, वहां से अब देखो, अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन पाथ एंड, तो डेल्टा एक्स जो होता है वो किसके बराबर होगा, टू पाई एन लैम्डा के इनटू पाई, उल्टा हो गया,
फाई विल भी कम, इतना हो गया, इसको कर लो, ये जो फाई होगा हाँ भाई के बराबर होगा वो। ठीक है, ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। देखो तो फाई जो है इधर से रिलेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, पाथ डिफरेंस तुम्हें चाहिए क्योंकि सारी जो चीजें हैं ना उसको किसमें हम कंसीडर चेंज करने की कोशिश करते हैं, पाथ डिफरेंस में कोशिश करते हैं। दिया किस टर्म में रहता है, जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करा इसमें फेज डिफरेंस दिख रहा है या पाथ डिफरेंस दिख रहा है, फेज डिफरेंस दिख रहा है, जिसको अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें करना पड़ता है, पाथ डिफरेंस में। तो अगर फाई तुमने कैलकुलेट कर लिया, पुट करोगे उस फॉर्म में, चेंज कर सकते हो, अरे बात समझ सकते ना, ये फाई के वैल्यू लिख लो, फाई कितना होगा, फाई होता है 2n पाई, फाई जो होगा कितना होगा 2n पाई के फॉर्म में होगा। एक बार जीरो पुट करोगे फाई कितना हो जाएगा, 1 पुट करोगे 1 पाई, हाँ 2 पाई 4 पाई, क्योंकि कॉस की वैल्यू कितनी रखनी है 1। इस केस में ये रखोगे, यानी अब जब ये पुट करोगे ना तो डेल्टा एक्स यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा एक्स एन लैम्डा, मतलब यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है तो दो लाइट वेव, समझ लो दो लाइट वेव जिनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, एन लैम्डा है, जहाँ एन इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, उसके लिए क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब जहां भी ये चीजें सेटिस्फाई हो रही है, पाथ डिफरेंस मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये लाइट था जो यहाँ मीट कर रहा है, इसके पीछे एक लाइट है जो कहाँ मीट कर रहा है, यहीं पे मीट कर रहा है, तो इनके बीच में जो भी पाथ डिफरेंस होगा क्या होगा, ये वाली पे, यही पाथ डिफरेंस है। अगर ये पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये ट्रेवल करेगा मान लो L1 और ये ट्रेवल कर रहा है L2, तो L2 माइनस L1 क्या देगा, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, अगर इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स अगर वो एन लेमडा का टर्म होगा, अगर एन लेमडा के इक्विवेलेंट होगा, तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर है, ये चीजें बता चुके हैं आगे। मेन जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके पहले का ये थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाला भी जल्दी से लिख लो, डिस्ट्रक्टिव वाला अगर याद है तो लिख लो, याद है सर, उसमें तो वो -2√i1 i2 हो जाता है ना, वैल्यू नहीं बोल रहे हैं हमें, वैल्यू का यहाँ पे जरूरत है नहीं है, हमें किसका जरूरत है, फाई का जरूरत है, फाई कितना होगा, क्योंकि उसी फाई से हमें डेल्टा एक्स मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पाथ डिफरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ तो सर वो कॉस फाई तो -1 हो जाएगा ना, उसमें कॉस फाई कितना हो जाएगा, -1, कॉस फाई -1 है, या इधर से ही अगर फाई मिनिमम होगा 2n+1π हो जाएगा, फाई मिनिमम के फॉर्म क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और -1 के लिए कितना हो जाएगा 2n+1π/2। अगेन हमें ये फॉर्मूला यूज करके इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, लेमडा के टर्म में कन्वर्ट करोगे, तो अगर लेमडा कन्वर्ट करोगे तो ये दोनों को यूज करके जो डेल्टा एक्स होगा कितना होगा, दोनों कन्वर्ट करना, सो डेल्टा एक्स कितना होगा 2n-1 λ/2, 2n+1π/2 बराबर किसका होना चाहिए 2π λ/Δx, ये है ना, अब यहाँ से पाई पाई क्या होगा चला जाएगा, डेल्टा एक्स जो होगा इट विल बी 2n+1 λ/2, हाँ ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, या ये जो टर्म देखोगे ये क्या है ऑड मल्टीपल्स के तरीके से आएगा, वो सिंपलीफाई करने के बाद ऑड मल्टीपल्स में आता है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, टू को अगर कॉमन करोगे तो 2n+1 λ/4, सर 2n+1π/2 होगा या पाई होगा, कौन सा फेज डिफरेंस, 2n+1π/2 होता है, अगर पाई बाई टू करोगे तो फिर लैम्डा बाई फोर आएगा, पाई रखोगे तो लैम्डा बाई टू आएगा, हाँ ग्राफ देखो ना, ग्राफ से अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा -1 -1 पे, यहाँ पाई होता है, अगेन जो नेक्स्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, 3π पे, माइनस मतलब 3π कहाँ मिलेगा, 5
फाइव पाई पे आएगा। फाइनली अगर कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा बाय टू इधर ठीक है, ये नहीं होगा तो यहाँ कितना आएगा, लैम्डा बाय टू आ जाएगा। ये जब भी रिजल्ट होगा उस टाइम पे क्या बनना होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब इस पूरे कंसेप्ट से तुमको दो ही चीज याद रखनी, पुराना हमने पढ़ा है, पूरे कंसेप्ट से बस क्या याद रखना था, दो चीज याद रखना था कि डेल्टा एक्स कितना होगा एन लैम्डा, इस केस में कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में यहाँ पे बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, क्या बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि लाइट जो है ना पट्टी दिखती है तुमको। अब साउंड के केस में ये नहीं बोल सकते थे क्योंकि साउंड के केस में पट्टी दिखती है नहीं, जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है ना तो हमें ऐसा पट्टी फॉर्म होता है, ब्राइट अगेन डार्क, फिर क्या बनेगा ब्राइट, फिर डार्क, फिर वो क्या बनेगा ब्राइट। तो ये जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको क्या बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है उसको डार्क फ्रिंज। तो जब भी डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे बन क्या रहा होगा, ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा। और सिमिलरली अगर डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया, डेल्टा एक्स बराबर हो गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के, इसका मतलब क्या है डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इसी चीज को प्रूफ करा यंग्स ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा यंग ने। और उसने ये सारी चीजें दिखाया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो वहां पे क्या बन रहा है ब्राइट फ्रिंज, अगर पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा / 2 है तो वहां पे क्या बन रहा है डार्क फ्रिंज, वो सारी की सारी चीजें उसने दिखाई। हो गया, हाँ सर। अब ये जो इंटरफेरेंस है डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज तुमको दिखेगा, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सस्टेंड इंटरफेरेंस। सस्टेंड इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये जो पट्टी बन रहा है ना, तो यहाँ पे ब्राइट बन रहा है तो इस लोकेशन पे हमेशा ब्राइट दिखेगा, लोकेशन पे अगर तुम देखोगे तो क्या हमेशा दिखेगा ब्राइट दिखेगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मतलब कुछ देर बाद यहाँ पे ब्राइट डार्क ऐसा सिचुएशन नहीं चलेगा। सस्टेंड इंटरफेरेंस कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमेशा क्या बनना चाहिए ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए, और ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इट शुड नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम। पाथ डिफरेंस किसका फंक्शन नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम। अगर पाथ डिफरेंस टाइम का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तुम घड़ी लेकर के बैठ जाओ 5 सेकंड पहले 10 सेकंड पहले अगर हमेशा इट इज एन लैम्डा के टर्म में आ रहा है तो हमेशा वहां पे क्या बनेगा ब्राइट फ्रिंज, टाइम का फंक्शन नहीं है। अगर ये टाइम का फंक्शन है इसका मतलब फाई जो होगा ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा, फाई अगर टाइम का फंक्शन हो जाए तो फाई से तो हम डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स किसका फंक्शन हो जाएगा, टाइम का फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब फाई जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। और जब फाई दो सोर्सेस के लिए टाइम का फंक्शन नहीं होता है, दो ऐसे सोर्स जिनके लिए फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन नहीं होता उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, क्या बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस में क्या होता है, ऐसे दो सोर्सेस जिनका फेज डिफरेंस फंक्शन ऑफ टाइम नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स जो है ना, कभी भी दो सोर्स लोगे ना, दो अलग अलग सोर्स लोगे, मान लो तुमने एक लैंप लिया सोडियम लैंप, दूसरा सोडियम लैंप लिया, दोनों में सोडियम यूज कर रहे हो, अगर इन दोनों का इंटरफेरेंस करवाते हो ना, कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा इट विल नेवर बी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, क्योंकि जो सोर्सेस है ना अलग अलग सोर्स हो गए।
अलग अलग सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग होगा, ये एफ डैश डिफरेंसेस बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तुमने दो सोर्स अगर यूज कर लिया कभी भी इसका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकता है, भले ये सोडियम है ये भी क्या है सोडियम ही है, दोनों सोडियम लैंप ही है, लेकिन अगर इसको यूज करोगे तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा होगा लाइट का, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा होगा लाइट का, वो क्या होगा अलग अलग होगा। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाता है तो ओमेगा वन टी और ओमेगा टू टी ये भी किसमें डिक्लेयर रखता है, फाइव में पार्टिसिपेट करता है। और जब ये चीजें फाइव में पार्टिसिपेट करती हैं, ये इंस्टेंटेनियस फेज है, इंस्टेंटेनियस। ओमेगा टी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस फेज, और इंस्टेंटेनियस फेज डिपेंड्स ऑन टाइम। तो अगर ये चीजें फाइव में पार्टिसिपेट करने लगेंगी, पहले अगर फ्रीक्वेंसी सेम होता तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल आउट। अगर ओमेगा वन इक्वल्स टू ओमेगा टू है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइव विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दो ऐसा सोर्स तुमने ले लिया जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, अलग है, फाइव विल नेवर बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इनकोहरेंट सोर्स बोलते हैं। इनकोहरेंट सोर्स के लिए जो इंटरफेरेंस होगा वो सस्टेन्ड नहीं होगा, मतलब एक ही लोकेशन पे यही पे बैठे रहोगे घड़ी लेकर के, कभी ब्राइट बनना होगा कभी डार्क बनना होगा, ब्राइट ब्राइट डार्क और ब्राइट ऐसा पैटर्न बनेगा, तो उसको तुम ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाओगे। मतलब अगर तुमको इंटरफेरेंस का अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है तो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहरेंट सोर्स कभी भी दो अलग अलग चीज से नहीं निकाल सकते हैं, सोर्स से नहीं निकाल सकते हैं, हम दो अलग अलग सोर्स से नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हमारे पास एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, एक नहीं दो मेथड है, एक को बोलते हैं डिवीजन ऑफ, चलो बताएंगे लेकिन पहले ये सारा चीज लिख लो, नहीं तो एक ही बार में बहुत सारा चीज समझा देंगे पढ़ लेंगे। लिखना कंडीशन फॉर सस्टेन, अभी भी लैम्डा बाई फोर पे कंफ्यूजन है, अरे ये लैम्डा बाई टू लिखो ना, वो पाई बाई टू नहीं होगा, वो पाई होगा, उधर ही अटके हो, तुम ही बोले थे पाई बाई टू इसलिए कंफ्यूजन, अभी तुम कंफ्यूजन नहीं है, वो समझा चुके हैं तुमको, उसको तू हटा दो ना यहाँ से, टू नहीं होगा, हो गया टू नहीं होगा तो लैम्डा बाई टू आ जाएगा, टू लिखो तो तुम फिर बाद में आते पूरी बात दिमाग में, हो गया। लेकिन कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, इनिशियल फेज पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव मस्ट बी कॉन्स्टेंट। इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्स्टेंट। इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव मस्ट बी कॉन्स्टेंट। पॉइंट नंबर टू, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंटरफेयरिंग वेव should be equal, वही जस्ट इधर एक्सप्लेन करें, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए इंटरफेयरिंग वेव का, सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो फिर ओमेगा वन ओमेगा टू आएगा, और कभी भी उस केस में फाई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट लिखना थर्ड, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक टू एलिमिनेट ओवरलैपिंग पैटर्न्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि एक ऐसा सोर्स जहां से जो वेवलेंथ आ रहा है ना, सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा हमने लाइट सोर्स लिया जहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहा है, आप समझ लो क्या हो रहा होगा। अगर सिंगल यूज नहीं करोगे, मान लो एक ऐसा सोर्स लिया है जो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेल्टा एक्स एक वेवलेंथ के लिए अलग, दूसरे वेवलेंथ के लिए अलग, तीसरे वेवलेंथ के लिए क्या होगा, अलग होगा। सो डेल्टा एक्स लाइट सोर्स तुमने सेम रख दिया, लेकिन फिर भी वहां से जो सोर्सेस से जो इमिशन हो रहा है वो उसके लिए क्या है, अलग अलग वेवलेंथ है, और अलग अलग वेवलेंथ होगा, तो डेल्टा एक्स हर एक वेवलेंथ के लिए क्या होगा, अलग अलग। तो एक वेवलेंथ जहां पे ब्राइट कर रहा होगा वहां पे दूसरा वेवलेंथ क्या कर देगा, डार्क कर सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं, या कुछ इस तरीके से बनना होगा, ओवरलैप कर दिया, डार्क ब्राइट मे बी कम्प्लीटली ओवरलैपिंग, मे बी जो भी तुम्हारा है पार्शियली ओवरलैपिंग हो सकता है। तो अगेन ऑब्जर्वेशन जो तुम्हारा है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे, ताकि हमारे पास सिंगल वेवलेंथ मिले, और सिंगल वेवलेंथ के चलते क्या होगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, द सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, The sources must be close to each other. Sources जो होने चाहिए वो एक दूसरे के आसपास होने चाहिए. Must be close to each other. Otherwise, due to a small fringe. Otherwise, due to small fringe width. Otherwise, due to a small fringe width. Small fringe width, fringe may be so close to each other due to small fringe width, fringe may be so close to each other such that eyes cannot resolve them. अभी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो दो सोर्सेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है ना उसमें डिपेंड क्या करता है, फ्रिंज विड्थ करता है, फ्रिंज विड्थ मतलब थिकनेस। जिस हम ये जो भी फ्रिंज बना है, ये जो पट्टी बना है, इसका कुछ थिकनेस होगा। ये जो थिकनेस है ना, ये डिपेंड करता है दो जो पॉइंट सोर्स लिए हो उसके बीच के गैप में, ठीक है। तो अगर वो गैप कुछ इस तरीके से तुमने ले लिया ना, ताकि ये पट्टी और छोटी होगी, पतली होगी, अगर पट्टी पतला हो जाएगा तो फिर तुम्हारी आंखों का कुछ लिमिट है, अगर उस लिमिट से नीचे चला गया तो तुम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब अगर तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो फिर वो ऑब्जर्व होनी चाहिए तुम्हारे आंखों को। इसलिए ऐसा हम डिस्टेंस जो लेते हैं, डिस्टेंस मस्ट बी स्मॉल, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं ले सकते। जैसे S1 S2, ये जो गैप है ये क्या होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि दिस गैप रेगुलेट्स ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, या W को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। वो चीजें आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, नंबर फाइव लिखो, एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी इक्वल, amplitude of interfering wave must be equal, full stop, it improves contrast, the amplitude of interfering waves must be equal, full stop, it improves contrast, इससे क्या improve होगा, contrast produce होगा, समझना क्यों, क्योंकि अगर amplitude same रखोगे ना तो इंटेंसिटी सेम होगा दोनों वेव का, और इस केस में जो आई मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 4i, और आई मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी 0। तो जो पट्टी बनेगा ना, पट्टी में एक रीजन ऐसा होगा जो बहुत ही ब्राइटर होगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके बगल वाले जो दो होंगे उस वहां पे इंटेंसिटी कितना है, 0, यानी कि पूरा का पूरा कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, डार्क दिखेगा। तो ऑब्जर्वेशन लेने में सिंपल होगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रास्ट जो इंटेंसिटी जो है कंट्रास्ट से रिलेट करते हैं। तो जैसे ये एम्पलीट्यूड सेम कर रखते हैं, एम्पलीट्यूड सेम मतलब इंटेंसिटी दोनों का सेम, सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i, मिनिमम इंटेंसिटी 0, जिसके चलते ब्राइट वाला बहुत ही ब्राइट होगा, डार्क वाला पूरा का पूरा ब्लैक होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, 0 है।
ऐसा नहीं कि इधर तो है, अगर तुम ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो कुछ दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। इस केस में क्या होगा ना, ब्राइट विल बी ब्राइट बट डार्क विल बी लेस ब्राइट एज कम्पेयर टू दिस वन। सो इसलिए जब बढ़िया से ऑब्जर्वेशन करना होगा तो हम किस तरीके का वेव लेंगे, तो ऐसा वेव जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो सेम हो, तो क्यों लेंगे इस कंडीशन के चलते। नेक्स्ट देखेंगे अब जो भी पॉइंट होगा, द सोर्सेस मस्ट बी नैरो, सोर्सेस मस्ट बी नैरो, द सोर्सेस मस्ट बी नैरो। सोर्स जो लेंगे वो कैसा लेंगे, नैरो लेंगे। नैरो मतलब जैसे एक पेपर है उसमें ऐसे ब्लेड से चीरा मार दोगे उतना थिकनेस वाला जो सोर्स होगा उस तरीके का सोर्स लेते हैं। अब समझेंगे क्यों, लिखना फुल स्टॉप। अब्रोड सोर्स विल बी इक्वल टू, अब्रोड सोर्स विल बी इक्वल टू, फुल स्टॉप के बाद अब्रोड सोर्स विल बी इक्वल टू लार्ज नंबर ऑफ, ब्रोड सोर्स विल बी इक्वल टू लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेस, लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेस विच विल इंटरफियर, विच विल इंटरफियर इंटरफियर विथ ईच अदर, विच विल इंटरफियर विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस ओवरलैपिंग पैटर्न, एंड प्रोड्यूस ओवरलैपिंग पैटर्न। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सोर्स है मान लो ये इस थिकनेस से सोर्स का हमने मतलब उधर एक लाइट रखा है, लाइट से जो जो यहाँ थिकनेस से बाहर आएगा ये जो स्लिट है स्लिट से बाहर आएगा, स्लिट से जब बाहर आएगा ना तो इस स्लिट का थिकनेस बहुत ही कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जो भी सोर्स आ रहा है ना, अब समझो जो भी लाइट वेव फ्रंट आएगा, वेव फ्रंट अगर एक वेव फ्रंट आया यहाँ पे, उस वेव फ्रंट पे बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। वो जस्ट अभी एक्सप्लेन करें कि इस वेव फ्रंट पे भी क्या है, बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स है, और वो सेकेंडरी वेवलेट क्या कर रहा है, खुद बिहेव कर रहा है किस तरीके से, सोर्स की तरफ। तो उस सोर्स से एक वेव, उसका जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट उससे भी एक वेव, वो खुद भी इंटरफेयर कर सकते हैं, और अगर वो खुद इंटरफेयर करेंगे फिर जो तुमको पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंटरफेयरिंग पैटर्न मिलेगा, क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस एक्चुअल के पाथ डिफरेंस से क्या होगा अलग हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये, या जो भी यंग्स ने एक्सपेरिमेंट करा था उसने कोशिश करा था कि ये जो थिकनेस है ये कम से कम पॉसिबल होना, बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि अगेन ओवरलैपिंग पैटर्न नहीं बने, और ओवरलैपिंग नहीं बनेगा पैटर्न अगर बढ़िया से बनना ऑब्जर्व कर पाओगे। इसलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं पॉइंट नंबर 7, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एक टॉपिक है अलग से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे पॉइंट देख लो। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ बोथ वेव्स मस्ट बी सेम, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ बोथ वेव्स मस्ट बी सेम फॉर पोलराइज लाइट सोर्सेस, मस्ट बी सेम फॉर पोलराइज लाइट सोर्सेस, अदरवाइज अदरवाइज इंस्टीड ऑफ इंटरफेरेंस, अदरवाइज इंस्टीड ऑफ इंटरफेरेंस, अदरवाइज इंस्टीड ऑफ इंटरफेरेंस अनपोलराइज लाइट विल फॉर्म, इंस्टीड ऑफ इंटरफेरेंस अनपोलराइज लाइट विल फॉर्म, इंस्टीड ऑफ इंटरफेरेंस अनपोलराइज लाइट विल फॉर्म। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है ना, पोलराइजेशन एक वेव का प्रॉपर्टी है, जो हम लाइट वेव के बारे में पढ़ते हैं वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में वो अलग से चैप्टर है पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि अगर तुमने दो पोलराइज लाइट लिया हुआ है, दो पोलराइज लाइट लिया हुआ है और ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना, तो इनका जो पोलराइजेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक नया फिनोमेना होगा, और उस नया फेनोमेना के चलते एक लाइट प्रोड्यूस होगा एंड दैट लाइट विल बिकम अनपोलराइज, ठीक है। अगेन पोलराइजेशन पे परेशान मत हो, समझ जाएंगे बस ये टॉपिक, ये जो ये है याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नोट में लिखना है ये चीज, नोट में लिखना, इंटरफेरेंस
इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, नॉन प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेस विल नॉट सस्टेन, विल नॉट सस्टेन, विल नॉट सस्टेन, सस्टेन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी जो होगा वो एक लोकेशन पे कंटिन्यूअसली क्या करेगा, वैरी करेगा, कहीं भी लोकेशन पे अगर जाओ करोगे जाए हुए, अगर तुमने नॉन कोहेरेंट सोर्सेस लिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन होगा, टाइम का, फ्रीक्वेंसी टाइम का फंक्शन, ये फाई जो होगा टाइम का फंक्शन होगा, डेल्टा एक्स टाइम का फंक्शन होगा, इस केस में एक ही लोकेशन पे बैठोगे कभी वहां पे क्या बन रहा होगा, कभी डार्क ब्राइट इस तरीके का इंटेंसिटी चेंज होते रहेगा। तो जो इंटेंसिटी है ना, एवरेज जो भी इंटेंसिटी यहाँ पे सिंपली कैसे देते हैं, अगर नॉन कोहेरेंट सोर्स है तो इंटेंसिटी सिंपली होता है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये सोर्स वन का इंटेंसिटी, ये सोर्स टू का इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी एट एनी लोकेशन क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, सिंपली क्योंकि यहाँ जो पैटर्न है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, टाइम का फंक्शन है, तो किसी भी लोकेशन पे बैठ करके देखोगे तो सिंपली क्या कर दोगे, इंटेंसिटी वन प्लस इंटेंसिटी टू कर दो, तो यही क्या दे देगा, इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस। लेकिन अगर कोहेरेंट सोर्सेस थे तो इंटेंसिटी कैसे मिलता था, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कोहेरेंट सोर्स के लिए, जो पहले हमसे बहुत बार बार लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में कहीं दे दिया कैसा सोर्स, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज जिनका इंटेंसिटी आई वन आई टू है, अगर वो किसी रीजन में इंटरफेयर करिए तो बताओ नेट इंटेंसिटी कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल आई वन प्लस आई टू ऐड कर दो, काम करें। लिखना टेक्निक नेक्स्ट है ना, टेक्निक टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स, टेक्निक टेक्निक टू ऑब्टेन, दोबारा ही लिख रहा हूँ उसको, टेक्निक टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस, टेक्निक टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस, अगर कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करना है क्योंकि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा तभी उसको रीड कर पाओगे, और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्स, तो कोहेरेंट सोर्स तुमको बनाना पड़ेगा, उसको ऑब्टेन करने के दो टेक्निक होते हैं, लिखना, देयर आर टू टेक्निक, देयर आर टू टेक्निक व्हिच आर यूज्ड, देयर आर टू टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड, व्हिच आर यूज्ड to which are used to obtain coherent sources coherent sources division of reference इसमें क्या करते हैं, रेफरेंट का डिवीजन करते हैं, और ये जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ रेफरेंट, ये यूज होता है कहाँ कहाँ पे, कौन से एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, देखो, इट इज यूज्ड इन YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इट इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी जो भी यंग्स ने एक्सपेरिमेंट करा था डबल स्लिट वाला, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट, उसको शॉर्ट फॉर्म में YDSC बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट में क्या करेंगे, कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए किसका डिवीजन किया गया है, वेवफ्रंट का डिवीजन करा है, क्योंकि वेवफ्रंट के केस में क्या होता है, हर एक जो वेवफ्रंट पे पार्टिकल्स है लोकेशन से वो कैसे बिहेव करता है, सोर्स की तरह,
और सोर्स की तरफ बिहेव करता है ना, और सेम फेज में होता है। अगर तुमको याद होगा तो सेम फेज में, क्योंकि प्रॉपर्टी जो था वेव फ्रंट का, एक वेव फ्रंट पे अगर जाकर के देखोगे हर एक पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होगा, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये भी वेव सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है। तो हम क्यों ना इसी दोनों को यूज कर ले इंटरफेरेंस करवाने के लिए, क्योंकि इन दोनों को यूज करोगे तो फाई का जो लोच है वो क्या हो जाएगा, फाई विल नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम। और ये जो कि एक सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो वेव फ्रंट है ये किसका है, ये सोर्स वन का है। तो सोर्स वन से हर एक पार्टिकल जो यहाँ पे ओसिलेट करेगा फ्रीक्वेंसी एफ 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 से ओसिलेट करेगा, तो सबका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट एक वेव फ्रंट पे दो लाइट सोर्सेस हमने ले लिया, क्योंकि दीज आर बिहेविंग एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट। और यहाँ से जो इंटरफेरेंस करवाओगे दैट इंटरफेरेंस विल बी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। जो किसने यूज करा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ, एक और एक्सपेरिमेंट है आउट ऑफ सिलेबस है, अगर ज्यादा इंटरेस्टेड हो गूगल कर सकते हो, दैट इज फ्रीनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रीनल फ्रीनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इसमें भी इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यहां से भी पट्टी बन रही होगी, लेकिन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट यूज करते हैं, एक वेव फ्रंट से दो स्लिट यूज करा, वहां से दो सोर्स बन गया, उसको इंटरफेयर कर लिया, फ्रीनल आया, फ्रीनल ने कोई अलग टेक्निक यूज किया, दैट इज प्रिज्म यूज करा उसने, मतलब एक सोर्स को प्रिज्म यूज करके वो दो सोर्स बना दे रहा था, फिर वहां से क्या कर लिया उसने, उन दो सोर्सेस से लाइट इंटरफेरेंस करवा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हमारे सिलेबस में बस कौन सा है, YDSC है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और एक और एक होता है वो भी लिख लो, और इन लॉयड मिरर, और कॉमा करके फ्रीनल बाई प्रिज्म कॉमा, स्पेलिंग एल Again, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस बता दे रहे हैं किस किस एक्सपेरिमेंट, किस किस एक्सपेरिमेंट में कौन सा टेक्निक है। तो जब तुम इंटरफेरेंस करवाना चाहते हो, इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए तुमको, दो सोर्स ऐसे होने चाहिए जिनका फाई फंक्शन ऑफ टाइम नहीं हो। तो उसको प्रोड्यूस करने का पहला टेक्निक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जो यंग्स ने यूज करा, फ्रेनल ने यूज करा, लॉयड ने यूज करा, सबका अलग अलग एक्सपेरिमेंट, काम एक ही है इंटरफेरेंस। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप टू, नंबर टू क्या हुआ, अरे ये लिख लो ना, इसीलिए हो तो फिर नंबर टू में लिखना डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड डिवाइड करोगे तो इंटेंसिटी डिवाइड होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा ना। अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में भी चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव इंटरफेरेंस, जहां से जो सोर्सेस होंगे वो कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे। आप समझ में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होता है, कहां क्या यूज हुआ समझा देते हैं। जैसे ये थिन फिल्म है, लाइट अगर इस पे इंसिडेंट करोगे, सोर्स है, सोर्स कैसे यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो इस सरफेस पे फॉल होगा तो कितना फेनोमेना होगा, दो फेनोमेना, लाइट का जो कट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक, और कुछ पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन जैसे ही लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो उसको कितना सरफेस मिला, एक सरफेस, ये दो मीडियम मिला, ये इंटरफेस, यहाँ से फिर क्या फेनोमेना होगा, एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा पोर्शन रिफ्रैक्ट होगा। अब ये जो लाइट है ना, आप समझना, इंटेंसिटी आई आया था इस पॉइंट पे, इंटेंसिटी इसका कितना हो गया आई वन, इसका इंटेंसिटी आई टू। अब ये आई वन आई टू जो है ये इससे कम होगा, यानी यहाँ पे तुम क्या डिवाइड कर दे रहे हो, एम्पलीट्यूड डिवाइड कर दिया तुमने, कैसे, क्योंकि इंटेंसिटी घटेगा ना, अगर आई वन आएगा तो उस इंटेंसिटी का कुछ पोर्सन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्सन रिफ्रैक्ट हो गया। तो ये इंटेंसिटी आई वन, ये इंटेंसिटी आई टू, मान लो अगर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आई वन प्लस आई टू कितना होगा, आई के बराबर होगा, अगर कोई भी पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ये फिल्म तो इतना होगा। अगेन ये जो आई टू है फर्दर डिवाइड हुआ किसमें, आई थ्री में और आई फोर में। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा ना, अगेन तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो फिर इसको दो रास्ते मिलेंगे, यहाँ से लाइट क्या होगा,
अब जब बाहर निकला तो I5 और ये क्या हो गया I6। अब इन दो वेव को यूज कर सकते हो क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के चलते फ्रीक्वेंसी चेंज, जब भी रिफ्लेक्शन अगर करवा रहे हो और रिफ्लेक्शन करवा रहे हो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट अगर है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया तो फाई क्या रहेगा? कांस्टेंट। फाई विल नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस वेव को और इस वेव को क्या करेंगे? इंटरफेयर करवा देंगे। लेकिन जब इंटरफेयर करवाओगे ना, तो इसका इंटेंसिटी तुमने आई प्रोवाइड किया था, लेकिन मिला क्या? I1 और I5, ये दोनों एक जगह पे इंटरफेयर कर रहे हैं, और इंटरफेयर करने के चलते मे बी मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। इस प्रोसेस में तुमने क्या करा? इंटेंसिटी रिड्यूस किया या फिर एम्पलीट्यूड को डिवाइड किया। सो इस प्रॉब्लम को, इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी भी कभी कभी बोल सकते हो। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड लिख देना इसमें, इन दिस टेक्निक एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, दिस टेक्निक एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स इज डिवाइडेड, ऑफ अ सोर्स इज डिवाइडेड इट इज यूज इन न्यूटन रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये जो टेक्निक है ये कहाँ यूज होता? न्यूटन रिंग में। न्यूटन रिंग एक फेनोमेना है, तो न्यूटन ने खोजा था इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन रिंग से नाम से जानते हैं। और उस फेनोमेना में इंटरफेरेंस हो रहा था। न्यूटन रिंग्स फॉर्म होने के लिए क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। और इस इंटरफेरेंस के लिए डिवीजन ऑफ क्या यूज हुआ? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव हुआ। वैसे ही एक डिवाइस है जिसको क्या बोलते हैं? माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। और इसमें क्या होगा? अगेन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यूज करके इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और ये दोनों जो चीजें हैं ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यानी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ही तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में बस खाली क्या है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जो कहाँ यूज होगा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होगा। तो अब इतना तक हम पहुंच चुके हैं जहां से क्या पढ़ सके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ सके, लेकिन उसी के साथ टाइम क्या हो गया? खत्म। तो डायग्राम बस बना दे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कुछ भी हो, मेन इंपॉर्टेंट जो है क्या? पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है इसी से क्या होता है? इसी के चलते एक जगह पे मैक्सिमम बनता है, एक जगह पे मिनिमम बनता है। तो मेन जो मेहनत हमें करना पड़ता है ना, वो करना पड़ता है कि लाइट जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे इंटरफेयर हुआ, ठीक है ना, लाइट जहां से जिस सोर्स से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के लाइट जहां पे इंटरफेयर कर रहा है वहां तक जाते जाते कितने का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अगर ये पाथ डिफरेंस जो है ये किसके बराबर हो गया? अगर एन लेमडा के बराबर हो गया, फिर वहां पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव, नहीं तो फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे होगा ब्राइट फ्रिंज, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे डार्क फ्रिंज। तो मेन हमें जो कैलकुलेशन करना पड़ता है किसका करना पड़ता है? पाथ डिफरेंस का ही करना है। और उसी चीज को यंग्स ने क्या करा? एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया। तो यंग्स ने क्या करा ना, नॉर्मल चीज है कि उसने एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में स्लिट किया छोटा, तो नैरो होल करा। नैरो क्यों करना है वो बता दिए। नैरो नहीं करोगे तो हर एक वेव फ्रंट कैसा बिहेव करेगा? बहुत सारे सोर्सेस प्रोवाइड कर देगा। हम ऐसा ये करते हैं कि अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स रखोगे तो यहाँ से वेव फ्रंट ऐसे बाहर निकलेगा। अब जब वेव फ्रंट यहाँ से बाहर निकलेगा, समझो तो यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो दोनों सोर्सेस S1 एंड S2 है, S1 S2 कहाँ पहुंच गया? इस स्लिट के पास S2, इस स्लिट के पास S1। और चूंकि S1 जो है वो अगेन एक नया सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से लाइट जाएगा
और यहाँ से लाइट जाएगा, मान लो इस लोकेशन पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमें चाहिए यहाँ का क्या पाथ डिफरेंस। अगर यहाँ का पाथ डिफरेंस इन लेमडा के टर्म में है तो वहां पे क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव। इनिशियली यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने तरीके से क्रिएट हो सकता है, मान लो कि एस वन एस टू तक पहुंचने से पहले ही कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर ये मिडिल में नहीं रखा होगा, अगर ये एस इस स्लिट के मिडिल में नहीं रखा होगा तो पहले ही कुछ पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पार्ट डिफरेंस। ये इनिशियल पार्ट डिफरेंस, अगेन देखो ये ट्रेवल किया इस पाथ पे, ये ट्रेवल किया इस पाथ पे और पहुंच गया पॉइंट पी पे, ठीक है। तो पॉइंट पी पे जब पहुंचेगा तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, अगेन इट इज क्रिएटिंग व्हाट पाथ डिफरेंस। तो मेन जो हमें कैलकुलेशन करना होता है इसी चीज का करना होता है। अगेन एक कुछ और भी चीजें कर देता है, जैसे इस पाथ में एक फिल्म रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, ठीक है। एक ऐसा क्या कर दिया, एक ग्लास उठाया, ग्लास को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ग्लास प्लेस करने से क्या होता है ना, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसमें भी डिफरेंस आता है, वो सारी चीजें समझेंगे। अगर यहाँ रख दिया या फिर इधर रख दिया तो उसके चलने भी क्या होगा, पाथ डिफरेंस में वेरिएशन आएगा। तो जो भी पाथ डिफरेंस होता है उसमें किसका किसका कंपोनेंट होगा, तीन पार्ट होता है। कोई भी पाथ डिफरेंस अगर देखोगे तो उसमें किसका किसका पार्ट होगा, तीन चीजों का पार्ट होगा। पहला पार्ट होता है इनिशियल पाथ डिफरेंस, यानी इनिशियली S1 से S1 S2 बनाने में अगर कोई पाथ डिफरेंस आ गया तो वो भी आएगा। नेक्स्ट होता है ज्योमेट्रिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल किसके किसके चलते है? मतलब यहाँ से जब यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से जब यहाँ पहुंच रहा है तो उसके चलते कुछ पार्ट डिफरेंस आया, या फिर अगर स्लेट के सामने तुमने कोई फिल्म रख दिया या इसके पास में कहीं पे फिल्म रख दिया तो उसके चलते एक पार्ट डिफरेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, नेट पाथ डिफरेंस। ये तीनों मिलकर के इनिशियल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिलकर के क्या करेंगे, एक्चुअल पाथ डिफरेंस देंगे। और अगर वो एक्चुअल पाथ एन लेमडा के बराबर है तो क्या बनना होगा वहां पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर एन की वैल्यू जीरो हो, एन की वैल्यू क्या होंगे जीरो, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब अगर डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करने के बाद एन लैम्डा के बराबर हो रहा है, उसमें भी अगर एन की वैल्यू जीरो हो गई, यानी ये डेल्टा एक्स जीरो के बराबर हो गया, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलोगे, वैसे ही एन की वैल्यू अगर वन रख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा। क्या बोलोगे, फर्स्ट, वैसे ही सेकेंड, वैसे ही थर्ड। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू, ये कंडीशन किसका है, डिस्ट्रक्टिव का, जिसके चलते अगर एन की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हो तो इट विल बी, एन जीरो पुट करने का मतलब ये होता है तुम्हारा फर्स्ट डार्क या फर्स्ट डार्क मिनिमा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो कैलकुलेशन पर्पज से पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन या फिर इनिशियल पार्ट डिफरेंस या भी तुम्हारा जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है वो क्या क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलो फिर आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हाँ, जिसको वो पढ़ने का मन करे ना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, जो जो नाम बोले है ना, जैसे थी न्यूटन्स रिंग बोले हैं, वो सारी चीजें तुम्हारे मॉड्यूल में है, पढ़ लेना, लेकिन उसका एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा। ओके सर। आ गया।